हाय एवरीवन, आज का वीडियो एक बहुत ही रैंडम वीडियो है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। आज हम आयुर्वेद और एलोपैथी और मॉडर्न साइंस किस तरीके से काम करती है तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर नेहा जोशी है और मैं एक आयुर्वेद प्रैक्टिशनर हूँ, आयुर्वेद डॉक्टर हूँ। एलोपैथी तो नहीं, ये मॉडर्न साइंस जो है, जो यूरोपीय चिकित्सा पद्धति है वो किस तरीके से काम करती है, हम इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, यूरोपीय चिकित्सा पद्धति है ना, बहुत कुछ WHO, यूरोप, समझ रहे हो ना, ये वाला जो पूरा है मानसिकता उधर से निकल कर आ रही है। ठीक है, अब पुराने समय में जाइए, अपने दादाजी की जनरेशन को याद करिए, अभी की नहीं, दादाजी की जनरेशन थे वो लोग क्या करते थे, दांत साफ करने के लिए बबूल और नीम और इन सब की दातुन का इस्तेमाल करते थे और अलग अलग प्रकार के मंजन आते थे जिनसे लोग रगड़ कर उंगली के माध्यम से मंजन किया करते थे। अब ये मत सोचना कि मंजन जो है वो भी बाद में आए हैं, मंजन का वर्णन तो आयुर्वेद की सभी संहिताओं में होता है। जैसे एक दशन संस्कार चूर्ण एक बहुत ही फेमस मंजन है जो कि दांतों से संबंधित परेशानियों में दिया जाता है, और इसके अलावा अलग अलग प्रकार के मंजन अलग अलग संहिताओं में दिए गए हैं जो कि दांत साफ करने के लिए या फिर दांतों से संबंधित प्रॉब्लम के लिए किए जाते थे। तो मंजन अलग अलग प्रकार के भारत के रूटीन में हमेशा से शामिल थे, और अलग अलग प्रकार के जो दातुन है, नीम की, बबूल की दातुन, इनका इस्तेमाल भी भारत में हर कोई पहले करता था दादाजी की जनरेशन के टाइम पे। उसके बाद जब भारत में अंग्रेज, वैसे गुलाम बनाया हो एक अलग चीज है, लेकिन हमारी मानसिकता को गुलाम बना दिया है और ये मानसिकता ना आज भी खत्म नहीं हो रही। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारी जो सभ्यता है, रहने उठने बैठने के तरीके हैं ना, उसको बहुत ही गवार, अनहाइजीनिक और पता नहीं क्या क्या वाला वो बना दिया। एक लंबा दौर रहा जिसमें उन्होंने बोला कि ये सारे चीज़ें करने से, दातुन वातुन करने से फ़ायदा नहीं होता है, आप लोगों के दांत पीले हो जाते हैं, मुंह से बदबू आती है, और फिर उन्होंने धीरे धीरे करके अलग अलग प्रकार के टूथपेस्ट इंट्रोड्यूस किए मार्केट में। टूथपेस्ट की जो चिकित्सा पद्धति है, टूथपेस्ट का प्रयोग किया है, ये यूरोपीय चिकित्सा है भाई, किसी में भी भारत में कहीं भी टूथपेस्ट वाली चीज़ों का वर्णन नहीं आता, ना आयुर्वेदिक किसी संहिताओं में वर्णन आता है। लेकिन आज के समय पर दादाजी की जनरेशन, फिर बीच की एक दादाजी की जनरेशन को तो उन्होंने कोस के निकाल दिया कि अरे आप लोग गवार हो, गवार हो, गवार हो, कुछ नहीं आता, मुंह से बदबू आ रही है, बदबू आ रही है। फिर जो हमारे पेरेंट्स वाली जनरेशन थी वो थोड़े से सुधरने वाले हुए कि हाँ ठीक है यार, हम चेंज करते हैं, हमारे दादाजी को, हमारे पिताजी को इतना बोला जाता है। फिर जो तीसरी जनरेशन आई है उसको वापस उन्हीं की चीज़ को पैकेजिंग चेंज करके वापस दे दिया, यानी कि आज के समय में जितने टूथपेस्ट आते हैं जिनका टीवी पर ऐड आता है, मेडिकल वाले नहीं, मेडिकल जो डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, जो डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, जो लेकिन आपको बेचे जा रहे हैं, उन सभी के अंदर नीम, बबूल, दातुन और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल वाले टूथपेस्ट आ रहे हैं और अलग अलग फ्लेवर वाले आ रहे हैं, नमक है, आपके टूथपेस्ट में नमक है तो बड़ा फेमस हुआ था, और पतंजलि का टूथपेस्ट है, हिमालय वगैरह के तो आते ही हैं, है ना, तो पतंजलि और हिमालय तो चलो फिर भी आयुर्वेदिक कंपनी है, लेकिन बहुत सारी कंपनी है जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ नहीं बना रही हैं, ठीक है, उनके भी आ रहे हैं और उनके अंदर भी सब कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हुआ एक एग्जाम्पल दांतों के मामले में। फिर बात करते हैं पुराने समय में लोग बर्तन कैसे धोते थे, राख से, सबसे कॉमन चीज़ होती थी राख का इस्तेमाल किया जाता था। मुझे अपना ही याद है, जब मैं छोटी थी और मैं अपनी नानी के घर जाती थी तो हमारे यहाँ पे उस टाइम पे शौच की व्यवस्था नहीं थी घर के अंदर, नानी के घर पे, तो बाहर जाया करते थे हम लोग, जब बहुत छोटे की बात कर रही हूँ, 4, 5, 6, 7 साल वाली, तो हल्की हल्की मेमोरी है उस टाइम की, 10 साल तक की एज मान लेते हैं तो मेमोरी है। तो जो बर्तन होते थे, तो घर पे खाने के भी बर्तन होते थे, जो उधर बाहर के भी बर्तन होते थे, वो राख से, कोयले से और चूने से, और उसी के अंदर थोड़े बहुत नींबू वगैरह के छिलके पड़े हुए रहते थे, उससे साफ़ किए जाते थे। फिर एक पूरी जनरेशन है उसे कोसा गया कि अरे बर्तन साफ़ नहीं होते हैं, बर्तन साफ़ नहीं होते हैं, इससे बीमारियां फैलती हैं, इससे ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, अलग अलग प्रकार से बोला। फिर तीसरी जनरेशन यानी कि आज के समय पर, दादाजी के टाइम से बोलना चालू किया, बीच की एक जनरेशन है उसको, उसके दिमाग को पूरी तरीके से चेंज किया, फिर तीसरी जनरेशन में अपने ही प्रोडक्ट को उसके अंदर नींबू डालकर बेचना चालू किया। आज जितने भी लिक्विड सोप आ रहे हैं जिनका हम घर में इस्तेमाल करते हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, कोई ना कोई हर्बल के नाम पर ही बेच रहे हैं। पहले लोग नहाते कैसे थे, अगर मैं आयुर्वेद के तरीके से बात करूं तो आयुर्वेद में नहाने के क्रम में होता है कि पहले आपको उद्वर्तन करना है। उद्वर्तन का मतलब होता है किसी भी सूखी चीज से शरीर को रगड़ना,
इसके लिए पुराने समय में राख का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता था और सूखे हुए गोबर का भी इस्तेमाल होता था। फिर कुछ लोग हो जाएंगे कि यार मैं गोबर के बीच में लाई, गोबर की अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है भाई, इसका कुछ इंपॉर्टेंस होता है। मैं उन लोगों में से बिल्कुल नहीं हूँ जो ये बोलते हैं कि भाई बिना मतलब मैं बस गोबर में लेते रहो, ऐसा नहीं है। जो प्रॉपर्टीज है, जो हेल्थ कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग, तो जो सूखा हुआ गोबर होता है, जो पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है, बिल्कुल पाउडर बन गया है, उसके अंदर उसका उद्वर्तन करने के लिए सलाह दी जाती थी। ठीक है, इसके अलावा एक तो राख हो गई, फिर सूखा हुआ गोबर हो गया, उसके अलावा पिसी हुई उड़द की दाल, पिसी हुई मसूर की दाल जो कि हल्की रूखी रह जाती है, इनसे भी उद्वर्तन किए जाते हैं, यानी कि शरीर को रगड़ा जाता है। तो नहाने का क्रम कैसे था कि पहले आप उद्वर्तन करिए अच्छे से, पूरे शरीर को रगड़िए, और उसके बाद में आप नॉर्मल पानी से स्नान करिए। फिर ये एक बीच की जनरेशन आई जिसमें उन्होंने साबुन को इंट्रोड्यूस किया, हर घर के एक एक घर में सबको साबुन लेके गए कि साबुन से नहाना है, उसी से बीमारियां दूर होंगी। उसके बाद आज के समय में हर साबुन के अंदर वही हर्बल जिनका इस्तेमाल हम पहले कर रहे थे, उन्हीं चीज़ का इस्तेमाल बाद में आ रहा है। हल्दी वाले साबुन आ रहे हैं, नींबू वाले साबुन तो बड़े कॉमन हैं, फिर पुदीना वाले साबुन आ रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या मेंथॉल फ्लेवर, और दुनिया भर की कॉस्मेटिक आ रही है। फिर क्या हुआ कि भाई बीमारियां, चेहरा तो हम हमेशा से धो रहे थे अलग अलग चीज़ों से, आज के समय पे आपका शरीर धोने के लिए अलग साबुन है, फेस धोने के लिए अलग है, बाल धोने के लिए अलग है, फिर इंटीमेट हाइजीन के प्रोडक्ट अलग हैं, मतलब पैर धोने के लिए भी अलग प्रोडक्ट आने लगेंगे कुछ समय के बाद में, हाथ धोने का तो अलग आते ही है ना, शौच के बाद हाथ धोने वाला अलग प्रोडक्ट आते हैं। टोटल मिला के मैं कहना चाह रही हूँ कि देखिए ये जो इंडस्ट्री है पूरी तरीके से, जिसके अंदर यूरोपीय चिकित्सा पद्धति आती है, यहाँ आप बोलोगे यार आपने ये तो कॉस्मेटिक वाली चीज़ों का इस्तेमाल किया, तो यूरोपीय चिकित्सा पद्धति को क्यों बोल दिया? क्योंकि इस चीज़ को एम्फेसाइज करने वाले हमेशा डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के, जो कि यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि अरे ये सब कुछ गलत है, आपके देश में जो कुछ भी चल रहा है वो गलत है गलत है गलत है, और वो जानबूझ के पेशेंट को, लोगों को मोटिवेट करते हैं कि नहीं आपको इसी तरीके से हाथ धोने हैं, इसी तरीके से ही करना है, पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, दांतों के ऊपर आप नीम वगैरह मत लगाइए, वो पहले एम्फेसाइज करते हैं। और फिर आज के समय पर वही डॉक्टर्स वो बोलने लगते हैं कि नहीं आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करिए। लोगों के अंदर ये कीड़ा डालने का काम वो तो वहीं से हो रहा है ना, तो चैनल तो वही है ना। अब ये पूरा टॉपिक इसलिए ध्यान आया क्योंकि देखिए मैं भी प्रेग्नेंट लेडीज़ वगैरह से बात करती हूँ, मैं इनको डील करती हूँ, ठीक है, आयुर्वेद तरीके से इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट या ENC चेकअप होना ये सब करते हैं। अब क्या होता था कि आयुर्वेद में डिलीवरी के तुरंत बाद, आयुर्वेद की जो संहिताएँ हैं ना उसमें डिलीवरी के तुरंत बाद जैसी स्त्री की डिलीवरी होती है उसके बाद उसके पेट को बांधने की सलाह दी जाती है। संहिताओं में लिखा है कि जैसे ही गर्भ निकल जाए, प्लेसेंटा बाहर निकल जाए, जिसे अपरा कहा जाता है, वो बाहर निकल जाए, उसके बाद पेट को टाइटली बांध कर रखना है, ठीक है। उससे क्या होता है कि पेट के अंदर वायु प्रवेश नहीं कर पाती और जो यूट्रस से संबंधित बीमारियां हैं उसके होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ये आयुर्वेद संहिताओं में कहा गया है। उसके बाद जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे और हम लोग सीखने के लिए अस्पतालों में जाया करते थे, उस टाइम पर बहुत सारी संस्थाएं आती हैं जो कि एलोपैथी चिकित्सा पद्धति वाले जो डॉक्टर्स होते थे या उनकी जो संस्थाएं आती थी उनसे जब हम लोग सीखते थे या जो हॉस्पिटल में लोग काम करने या सीखने के लिए जाया करते थे कभी कभी, तो हमेशा डॉक्टर्स बोलते हैं अरे पेट नहीं बांधना है, कुछ नहीं करना है, वो तो सब अपने आप ठीक होगा, पेट पेट नहीं बांधना होता है। और आज के समय पर हर डॉक्टर, बड़े से बड़ा डॉक्टर्स क्या करता है, वो बेल्ट होते हैं ना कमर पर बांधने वाले बेल्ट, डिलीवरी हुई उसके अगले दिन दे देते हैं कि इससे बेल्ट बांधो। मतलब वही चीज़ जब आयुर्वेद में हो तो गवार है, गलत है, बेकार है, और 10, 20, 15 साल का गैप करने के बाद में या 30 साल का गैप करने के बाद में वही चीज़ को चेंज करके आप पेट के ऊपर कपड़ा बांधोगे तो मार्केटिंग कहाँ से होगी, इसीलिए आप पेट के ऊपर बेल्ट बांधो, बेल्ट आप खरीदोगे तो मार्केटिंग होगी, वो प्रोडक्ट एक खरीदा जाएगा, समझ रहे हो किस तरीके से खेला जाता है। यहाँ मैं ये भी नहीं बोल रही कि जो कुछ आयुर्वेद में लिखा है, जो कुछ हम सनातन धर्म के नाम पर या हिंदू धर्म के नाम पर पहले से इस्तेमाल करते हैं वो सारी चीज़ें सही है। कई बार क्या होता है ना कि संहिताओं में तो सब कुछ सही लिखा गया है लेकिन बीच में आके हमने उसका इंटरप्रिटेशन को गड़बड़ कर दिया है तो उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। जैसा एक और एग्जाम्पल मैं ऐसे दूंगी जिसमें गलती समाज वालों की होती है। आयुर्वेद में क्या लिखा गया है कि डिलीवरी के तुरंत बाद तक कम से कम अगले 4 से 5 दिनों तक जो प्रसूता स्त्री है उसको अन्न नहीं दिया जाता, खाना नहीं देना है। अब इसको कई बार क्या गांव के लोग एक मानने लगते हैं, अब बड़े शहरों में तो लोग खाना देने लगे हैं लेकिन कई बार छोटे शहरों में अगर आप अपने आसपास के छोटे लोगों से बात करोगे या फिर अपनी मम्मी से या दादी से जिनकी घर में डिलीवरी हुई होगी उनसे पूछोगे तो डिलीवरी होने के बाद 2-3 दिन तक खाना ही नहीं देते हैं कई बार।
तो इसको इस मामले में क्या है, आयुर्वेद में क्या लिखा है, आचार्य चरक ने क्या बोला है कि डिलीवरी होने के बाद में स्त्री को उसकी अंजलि भर मात्रा में, यानी कि इतनी मात्रा में उसकी अंजलि में जितना आता है, मधु और घृत मिला के देना है। अब सोच रहे हो इतना सारा घी अगर पिएगी, इतना सारा शहद पिएगी तो कितनी एनर्जी जाएगी। उसको नॉर्मल सूखा अन्न खाने से मना किया है, लेकिन उसको कुछ और खाने के लिए बोला है। अब इसका समय के साथ में लोगों ने गलत इंटरप्रिटेशन कर लिया कि बिल्कुल खाना नहीं देना है तो लोग भूखा रख देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी भाई, अपनी संहिताओं को अच्छे से पढ़िए, डिटेल में पढ़िए। मॉडर्न साइंस आपके पास जो कुछ भी लेकर आता है ना, हर बार वो गलत नहीं होता, लेकिन हर बार वो सही भी नहीं होता है। लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, सदियों से बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपके पास अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बेचने के लिए आते हैं और उसके लिए डॉक्टर्स का सहारा लेते हैं कि भैया इससे जर्म्स खत्म हो जाते हैं, इससे बीमारियां नहीं होती हैं, इससे ऐसा नहीं होता है, सब बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं। तो पता नहीं यार, एक रैंट टाइप का ये वीडियो हो गया जो मैंने देखा इसीलिए क्योंकि ना मैंने अपने कई पेशेंट्स को बोला है कि पेट बांध लिया करो डिलीवरी के बाद में। तो जो लोकल छोटे डॉक्टर्स होते हैं बोलते हैं नहीं नहीं कुछ ज़रूरी नहीं है। अब वो बेल्ट दे रहे हैं और हर डॉक्टर दे रहा है, हर डॉक्टर डिलीवरी होने के बाद में आपको 400-500 रुपए का वो जो बेल्ट है खरीदने के लिए बोल देते हैं। और आयुर्वेद में सिंपल है कि भैया पेट बांधो उसको अच्छे से कॉटन के कपड़े से टाइटली, आपको जैसे आप पेट को रैप करते हो वो बांधो, वो ज़्यादा अच्छा है। वो आपके घर का कपड़ा है, कॉटन का है, ईजीली है, उसमें हवा पास होती है, वो पेट टाइट रहता है। टाइट रहने से क्या होता है ना कि वो फ्यूचर में होने वाले जो प्रोलैप्स के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं और यूट्रस के अंदर मसल्स को स्ट्रेंथ मिलने में काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि डिलीवरी का एक जो पूरा शॉक है उसको झेलने के बाद में वहाँ की जो मसल्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा शॉक में चली जाती हैं। तो अगर आप उनको थोड़ा सपोर्ट देते हो तो फ़ायदा होता है। चलिए, पता नहीं आज का वीडियो कैसा मैंने शूट कर लिया, कहाँ से निकला था, कहाँ से पहुँच गया, लेकिन बस मैं हमेशा ये सारी चीज़ प्रोडक्ट देखती हूँ ना। अभी कई MR लेकर आते हैं, नए नए प्रोडक्ट लेकर आते हैं। इंटीमेट हाइजीन का तो इतना फालतू का है ना, वेजाइनल हाइजीन और इंटीमेट हाइजीन के लिए कुछ नहीं करना होता आपको, नॉर्मल साबुन से नॉर्मल बहुत है, सफिशियंट है, लेकिन नहीं, उसके प्रोडक्ट आ रहे हैं कि नई हाइजीन के लिए आ रहे हैं दाने। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और ये रेंट आपको कैसा लगा, आपके यहाँ पर कोई ऐसी आपका कोई ओपिनियन है या कुछ ऐसी चीज़ है जो आपने देखी है तो उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिस्ट हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाई।